नमस्कार दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला में आज हम फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका नाम है शैलेंद्र। ये मैनपुर यूपी के निवासी हैं। इनका कंधा बार बार उतरता था, रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर की इनको प्रॉब्लम थी। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी तकलीफ क्या थी और इनका इलाज कैसे किया गया है। शैलेंद्र, क्या तकलीफ थी आपको? सर, मेरा 2.5 साल पहले कंधा उतरा था थप्पड़ मारते वक्त, फिर झगड़ा दोबारा हुआ तो फिर उतरा कंधा, 2-3-4 बार उतरा कंधा, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो आपका कंधा उतरा 2.5 साल पहले, उसके बाद आपने डॉक्टर को दिखाया जी। तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? डॉक्टर ने MRI के लिए बोला, MRI करके दिखाओ। फिर जब मैंने उन्हें MRI दिखाई तो उन्होंने दिल्ली सफदरजंग के लिए बोला कि सफदरजंग में चले जाओ, वहाँ दिखा दो जाके। तो वहाँ भी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो वो ज़्यादा टाइम ले रहे थे तो मैं वहाँ से भी चला आया। तो वहाँ ऑपरेशन के लिए आपको लंबा समय का वेटिंग दे दिया था उन्होंने जी। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ? फिर ऑपरेशन, पहली बार ऑपरेशन कहाँ पे हुआ आपका? सर, आगरा हेरिटेज हॉस्पिटल में। अच्छा, आगरा में आपको ऑपरेशन में कोई दिक्कत आई थी? उसके बाद ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कत थी आपको? ऑपरेशन के बाद सर दिक्कत नहीं थी, फिर 1.5 साल बाद कंधा फिर डिसलोकेट हो गया था। तो ऑपरेशन से 1.5 साल बाद आपका कंधा फिर से डिसलोकेट हो गया जी। वो कैसे, उसके बाद वो कैसे हुआ बताएंगे आप? सर, बस बच्चे को पकड़ आता इतने में डिसलोकेट हो गया। अच्छा, तो ऑपरेशन के बाद जो डिसलोकेशन हुआ वो आपका बच्चे को पकड़ते टाइम पे डिसलोकेशन हो गया। वो कितनी बार हुआ ऑपरेशन के, कितनी बार डिसलोकेशन हुआ? सर, 3 बार लगातार, 3 दिन। अच्छा, 3 दिन में, लगातार 3 दिन में हो गया। ठीक है, तो फिर आपने हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, रंजीत नाम है उनका, उन्होंने बताया, वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो रंजीत जी हमारे पुराने पेशेंट हैं जो आपके गाँव में रहते हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो वो यहाँ पे लेके आए थे इनको। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आपको क्या सलाह दी थी? आपने गारंटी दी है कि कंधा कभी नहीं उतरेगा, चोट से उतरेगा, चोट से। अगर आप इस कंधे का ढंग से ध्यान रखोगे और इसको 6 महीने तक थोड़ा सा प्रिकॉशन से रखोगे तो ये कंधा अब नहीं सरकेगा। तो इनका दोस्तों, हमने लटाजेट ऑपरेशन के द्वारा इनका कंधा ठीक किया है और ये आज अपने गाँव वापस जा रहे हैं डिस्चार्ज होके। इनसे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में जानते हैं। सर, हॉस्पिटल तो बहुत सुविधाएं अच्छी हैं, कोई किसी की कमी नहीं है। ऑपरेशन के दौरान आपको किसी प्रकार का दर्द हुआ था क्या? नहीं सर, दर्द तो नहीं हुआ ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद हल्का सा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। और अब बिल्कुल ठीक हो? अब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब आपको मेरे पास 1 महीने बाद फॉलोअप के लिए आना है ना? उसके बीच में आपको मुझसे बात करते रहनी है, हम आपको सारे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के द्वारा हम आपको कंसल्टेशन देते रहेंगे, टच में रहना है आपको। 1 महीने बाद आके हमको वापस दिखाना है, तब हम आपकी एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे पास फेल्ड ऑपरेशंस जो होते हैं, दूसरी जगह पे किए हुए जो फेल ऑपरेशन हुए हुए हैं, वो भी हमारे पास बिल्कुल ठीक होके जाते हैं। और यूट्यूब पे के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि हर ऑर्थोपेडिक समस्या का इलाज हमारे पास है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो।